शरीफ खानदान को एहतसाब के अमल से भागने नहीं देंगे। इस खानदान की करप्शन की जान शहबाज शरीफ में है। वज़ीरे मुमलिकत फारूक हबीब ने मीडिया से गुफ्तगू में आड़े हाथों ले लिया। कहा उनसे करप्शन का हिसाब मांगा जाए तो उन्हें लंदन की याद आ जाती है। फिरदौस आशिक अवान बोली नवाज शरीफ को वापस लाने के बजाय शहबाज शरीफ ने फरार होने की कोशिश की। शहबाज ईद पाकिस्तान में करें, किस बात की जल्दी है? वज़ीरे आज़म हर शख्स को कानून के ताबे लाने के लिए पुरअज़्म है। पूरी कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से शहबाज शरीफ अपना रिकॉर्ड बरकरार रखें कि उन्होंने और उनके भाई ने ईद जो है वो मुल्क से बाहर करनी, और लंदन की याद इनको हमेशा उस वक्त आती है जब इनका इक्तदार जो है वो ख़त्म हो जाता है। इनसे इनके की गई जो करप्शन की लंबी दास्तानें हैं उसका हिसाब मांगा जा रहा होता है। पूरा पाकिस्तान जानता है कि जब शरीफ खानदान सियासत के अंदर आया तो इनके कितने असासे थे, और जब इक्तदार 2018 को इनका इक्तदार ख़त्म होता है तो उस वक्त इनके पास अरबों खरबों रुपए के असासे कहाँ से आए, उसका जवाब देने से ये कासिर हैं। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ थे, छोटे मियाँ सुबहान अल्लाह निकले। वो रात की तारीकी में पाकिस्तान से रफू चक्कर होने के लिए हाथ पांव मारता रहा। वो शख्स जो ग्रंटर था और दवाई लेने जाने वाले शख्स को पाकिस्तान लाने के लिए अदालत आलिया के सामने हलफनामा दे के उस हलफनामे की खिलाफ वर्जियां करने में मसरूफ अमल है। खुशियां भी जो है वो बाहर मनाना आपके लिए बायस एजाज है, क्योंकि ईद भी आप पाकिस्तान से बाहर मनाना चाहते हैं।